नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में तुला लग्न के जातकों के लिए बहुत ही कुछ उपाय रखने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट रखने वाला हूं जिससे आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो जाए। आपके जीवन में जो नुकसान हो रहा है उनसे आपको कैसे बचना चाहिए। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है, सबसे पहले अपनी भावनाओं पे, अपने क्रोध पे आपको जरूर कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही दूसरा पॉइंट यह है कि आपको प्रतिदिन भगवान की पूजा के लिए, उपासना के लिए समय निकालना चाहिए। आप कम समय निकालें लेकिन जरूर समय निकालें। आप भगवान की पूजा और उपासना जरूर करें, आपके जीवन में उसका बड़ा लाभ जरूर आपको प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट यह है कि आप अपने खर्चों पे, आपकी जितनी आय है उनसे ज्यादा आप खर्चे कर देते हैं या ऐसा कहिए व्यय कर देते हैं, वो आपको जरूर कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही आप जो खर्चे करते हैं दूसरों पे खर्चे करते हैं, दूसरों की बातों में आप आ जाते हैं, सामने वाला आपको ऐसा कह जाए कि बेवकूफ ना बनाए, वो आपको सोचना चाहिए और उस पर खर्चा करना चाहिए। आप अपनों से दूसरों के में आप खर्चा बढ़ा देते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, तो अपनों से दूर हो जाते हैं। जो आपके अपने हैं उनसे आप पूरा समय भी दीजिए, उसके साथ भी दीजिए और उसके ऊपर खर्चा कीजिए। साथ ही आपको ज्यादा से ज्यादा जो व्हाइट कलर है, क्रीम कलर है, उसका उपयोग करना चाहिए। आपको लाल रंग से, रेड रंग से जरूर बचना चाहिए, उसका उपयोग कम करना चाहिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, और भी उपाय रखने वाला हूं, कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज्योतिष की बातें आपके सामने मैं रखता रहूंगा। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए। अब दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से बचना है जो समाज में नहीं बदनाम है, मान लीजिए कि समाज उसका स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों पर आपको किसी प्रकार का विश्वास नहीं रखना चाहिए, कभी भी आपको धोखा दे देंगे। साथ ही आपके पैसे भी खर्चे होंगे, आपका दोस्तों समाज में भी नाम बदनाम हो सकता है ऐसे लोगों की संगत में आएंगे, तो ऐसे लोगों से आपको जरूर बचना चाहिए। साथ ही उपाय आपको क्या करना है, तो आपको आपकी कुंडली के अनुसार आपका तुला लग्न है तो आपके जो देव हो रहे शनि देव, वो आपके योग कारक बन रहे हैं, तो शनि का रत्न नीलम आपको अपनी कुंडली दिखाकर जरूर पहनना चाहिए। साथ ही पंचांग कर्म जरूर करके आपको पहनना चाहिए और शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर जाइए या हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, वहां आप साफ सफाई करें। साथ ही वहां ही बैठ के हनुमान चालीसा के 3 पाठ जरूर करें, आपके जीवन में शनि भगवान की कृपा जरूर होगी। साथ ही गुरुवार के दिन आप अनाज का दान जरूर करें। दोस्तों, जो भी उपाय रख रहा हूं, जो भी पॉइंट रख रहा हूं, आपके जीवन में बेहतर होगा, आपके खर्चों में कमी आएगी, इसलिए धन आप बचा पाएंगे, संबंध आप निभा पाएंगे, आप ध्यान रखेंगे तो आपके व्यापार बढ़ेगा, आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आप बड़ी ध्यान रखेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे
तो आपके जीवन में पद उन्नति जरूर होगी। साथ ही आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पीछे राजकीय, ऐसा कही जाए राजकारण खेला जा रहा है, तो वहां से आप भी सावधान हो जाइए। आपके जो शत्रु है वो छुपे शत्रु है, आपके सामने तो अच्छा बोलते हैं, अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन पीछे से ही आपका नुकसान करते हैं, आपकी बातें करते हैं। ऐसे शत्रुओं से आपको पूरा सावधान रहना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके जीवन में अर्धांगिनी मिले, लेकिन उनसे पूर्व आपको दोनों की जन्म पुण्य मिलान अवश्य करनी है। किसी की बातों में नहीं आना है, आकर्षण में नहीं आना है, भावनाओं में नहीं बहना है, जन्म कुंडली मिला के सोच समझ के आगे आपको बढ़ना है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन उत्तम हो सके। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने क्रोध पे जरूर कंट्रोल रखना होगा। छोटी छोटी बातें पे आप क्रोध कर लेते हैं, उन पे आपको जरूर कंट्रोल रखना होगा। शुक्रवार के दिन कोई एक समय निश्चित कर लीजिए, एक घंटा जरूर मौन का पालन कीजिए। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने तुला लग्न के जातकों के लिए जो कुछ बहुत ही उत्तम पॉइंट रखे हैं, आप जरूर फॉलो कीजिए, जरूर अपने जीवन में अपनाइए। आपके जीवन बहुत ही उत्तम हो जा सकता है, आपके जीवन में हर तरक्की आपके आगे बढ़ेगी। दोस्तों, ऐसे ही YouTube के माध्यम से सारे लग्नों की बातें आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।